नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो कैसे हैं आप सब? मैं हूँ सोनम सिंह और सिल्क टीवी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम खड़े हैं यहाँ तिलका मांझी चौक पे। आप देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ है और लग नहीं रहा है कि कोरोना का समय चल रहा है। क्या बताएं भैया, किसी को डरे नहीं अपना जान का। और बताइए, चुनावी माहौल है, हर तरफ जो है चुनाव का गहमा गहमी चल रहा है, तो ऐसे में जनता सबकी क्या राय है आज वही जानने पहुँचे हैं। तो चलिए कुछ चुनाव की चटपटी गपशप करते हैं जनता के साथ में। आज हम खड़े हैं एक फल की दुकान पे, आप देख रहे हैं बहुत अच्छा अच्छा सेब लग रहा है, बहुत मीठा लग रहा है देखने से ही। खैर चलिए, सेब और अनार की बात छोड़ते हुए चलते हैं, इनसे कुछ बातचीत करते हैं। हाँ तो चचा, आप ये बताइए कि इस बार जो चुनाव का समय आ रहा है, तो आप इस बार किसको वोट दे रहे हैं? किसका बताए, बोलिए। अब आप ना बताइएगा कि आपको क्या लगता है, आपको किसको वोट देना चाहिए? जो बढ़िया आदमी उसी को वोट देना चाहिए, और क्या। ये बात तो है, कि कौन बढ़िया है, जो कि देश चलावे उन्हीं को जिताना है, जो नहीं। ये बात तो है, आप सही बोल रहे हैं, पर फिर भी आपका क्या सोचना है कि जो पिछला जो उम्मीदवार जो पिछले जनप्रतिनिधि जो था बीजेपी को? अरे भाई, ये चाचा तो बीजेपी को दे रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ भी एक भैया खड़े हैं, इनसे पूछते हैं कि ये क्या किनको वोट दे रहे हैं। हाँ तो भैया, आप बताइए कि आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? बीजेपी को। आगे चलते हैं, एक दीदी जी दिख रही है। दीदी जी, आप बताइए कि आप वोट देने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं इस बार? वोट देने जा रहे हैं। किसको वोट दे रहे हैं? मोदी जी को। मोदी जी को। अरे एक चाची जी भी दिख गई। चाची जी, आप वोट देने जा रहे हैं कि नहीं इस बार? वोट देके क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं है। फायदा नहीं, गरीब तो भूखा मरता है, गरीब का काम नहीं है, है? तो वोट देके क्या होगा? अब देखिए, चाची जी का शिकायत है कि गरीब भूखा मर रहा है, सरकार कुछ नहीं कर रहा है। रोज मंजूरा सब क्या दिया, लॉकडाउन में कुछ दिया गरीब को? कुछ नहीं दिया, तो वोट देके क्या करेगा गरीब आदमी? तो सही है, सब मर रहा, ये बात है। अब चाची जी का कहना है कि लॉकडाउन में आदमी भूखे मरे और सरकार ने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया, तो पता नहीं अब आगे क्या होता है, देखते हैं। आगे चलते हैं जनता के साथ। नहीं तो आप किसको चुनना चाहेंगे? बिल्कुल, अभी तक तो एनडीए के सामने कोई ऑप्शन है नहीं। अच्छा, एनडीए के सामने कोई ऑप्शन नहीं है, तब बताइए कि आपको उनसे कुछ तो उम्मीद होगी। अगर आप उन्हें को चुन रहे हैं तो किसी उम्मीद से चुन रहे होंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद है। सरकार ने राजद शासन काल के बाद जो भी विकास का काम हुआ है वह एनडीए के शासन काल में हुआ है, और हम इस उम्मीद के साथ इस बार वोट करेंगे कि सड़कें तो हमारी बनी जी, जी। बिजली की व्यवस्था लगभग आज हर घर में है। पहले टोका लगा के आदमी जो है फ्री में बिजली जलाता था, चोरी करके जलाता था, क्योंकि उसके पास कनेक्शन लेने के पैसे नहीं थे और कनेक्शन बड़ी मुश्किल से मिलता था, उसके लिए घूस देना होता था। लेकिन अब वो ऐसी बात नहीं रही, अब कनेक्शन आसानी से मिल जाती है। उज्ज्वला योजना के तहत हर घर में आज गैस है, तो इन सब कार्यों पर जो है प्रगति से कार्य हुआ है। ज़्यादातर जनता का यही कहना है यहाँ पर कि लॉकडाउन के वजह से जो है कि पब्लिक बाहर नहीं आ रही है, तो हमारी दुकानदारी मंदा चल रही है, और ऐसे में जो है कि आफत हो रहा है खाने पीने पे, और गरीबी गरीब जो लोग हैं उनको काफ़ी परेशानी हो रही है। खैर आइए चलते हैं, आगे चलते हैं और जानते हैं जनता की राय। हमारा यही कोशिश है कि आप जनता की बात नेताओं तक पहुंचाई जाए जो उनके मन में है। कुछ युवा लड़कियां दिख रही है, आज के युवा से ही हमारा भारत है, जान रहे हैं। आइए जानते हैं इनसे इनकी राय। हाँ तो मैम, आप ये बताइए कि आप वोट करती हैं? नहीं, मैं वोट नहीं करती हूँ अभी। अभी वोट नहीं कर रही हैं, तो अगर फिर भी अगर आपको सपोर्ट करना हो, अगर वोट देना हो, तो आप किसे चुनेंगी? एक्चुअली मैं यहाँ ना नहीं रहती हूँ, मैं ना दिल्ली में रहती। अरे कहीं भी रहती हैं आप? कहीं भी रहती हैं, पर आप अपने जहाँ दिल्ली में भी तो नेता हैं, दिल्ली में भी तो आपके जनप्रतिनिधि हैं, अपने लिए तो कुछ सोचा होगा ना? आम आदमी पार्टी को करेंगे। आम आदमी पार्टी को करती हैं सपोर्ट। चलिए और आप बताइए, आप किसे सपोर्ट करती हैं? मैं कमल, भाजपा को। चलिए तो आपको क्या लगता है कि भारत को और जो है कि हमारे देश में जो भी हैं जनता हैं, मतलब जो नेता लोग हैं, वो और कुछ आप लोग के हिसाब से अभी के जो युवा जो पीढ़ी हैं उनके दिमाग में बहुत आइडियाज़ होते हैं, तो इन लोग का भी कुछ सोचना होगा कि नहीं ऐसा हो सकता था, भारत ऐसा कर सकते थे नेता लोग, तो कभी कुछ दिमाग में आया? मैं जिसको सपोर्ट करती हूँ आम आदमी पार्टी, उन लोगों ने उन्होंने
मतलब बहुत कुछ किया है बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा अच्छा चीज़ें, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किए हैं, हाँ जी हाँ, पढ़ने के लिए स्कोप इतने अच्छे अच्छे खोले हैं, बहुत कुछ किया है हम आदमी पार्टी ने, हम उसको सपोर्ट करते हैं और भी बहुत कुछ पढ़ाई पढ़ाई के लिए किया। चलिए कोई बात नहीं, हाँ जी आप लोग पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई से रिलेटेड बात, चलिए कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं। एक आंटी भी है, आंटी आप किसे सपोर्ट कर रही हैं? कमल का, कमल का, तो मतलब कमल क्यों सपोर्ट कर रही हैं, कोई रीजन है कोई आपका, मतलब हम लोग के लिए बहुत सपोर्ट करते हैं, सारे सिचुएशन में उन्होंने बहुत सुधारा है, ठीक है। और अच्छा कमल ने बहुत सिचुएशन सुधारे हैं तो फिर भी और आगे आप उन्हें वोट करेंगी तो आगे भी आपकी उम्मीदें उनसे बढ़ेगी, तो क्या उम्मीद करती हैं आप उनसे? उनसे क्या उम्मीद रखेंगे, जो हम लोग भागलपुर अच्छे रहते हैं, भागलपुर स्मार्ट सिटी है ही और स्मार्ट बने, इससे भी ज़्यादा सशक्त बने। चलिए आइए देखते हैं, एक ऑटो वाले नज़र आ रहे हैं सामने, ऑटो नहीं टोटो है, अच्छा चलिए इनसे पूछते हैं। हाँ तो भैया आप लोग का टोटो कैसा चल रहा है? क्या कहें दीदी, मंदा चल रहा है, मंदा चल रहा है। काहे भैया दुखी है आप क्या इससे? दुखी तो है ही लेकिन पैसेंजर मिलता नहीं है, रात दिन चिकरते हैं बोलते रहते हैं लेकिन नहीं मिलता है। सर आगे क्या आपको लगता है कि आप वोट देने जा रहे हैं कोरोना में? कोरोना लॉकडाउन लगा हुआ है, जब से लॉकडाउन लगा है फिर भी वोट तो शुरू होने वाला है, चुनाव का जो प्रक्रिया शुरू हो चुका है तो आप तो वोट देने जाइएगा ही, ये बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके ज़िंदगी का सवाल है, आप अपना नेता चुनते हैं, आप अपना भविष्य चुनते हैं अपने हाथ से, तो ये तो ज़रूरी है कि आप वोट देने जाइएगा, आपका एक वोट जो है आपका भविष्य तय करता है, मानते हैं कि नहीं मानते? मैं एकदम मानते हैं। तो अब तो वोट देने ज़रूर जाइएगा। एकदम वोट देंगे। तब किस पार्टी को वोट दीजिएगा, किसको सपोर्ट करते हैं आप? नेता काम करेंगे उन्हीं को देंगे, जो नेता काम करेंगे उन्हीं को देंगे। और आप बताइए भैया आप किसको सपोर्ट करते हैं? पहला बात तो ये है कि भागलपुर में कोई विकास नहीं है, भागलपुर में कोई विकास नहीं है। चलिए नीचे देख लीजिए एक बार मेरे सामने, हाँ तिलका माई, ये तिलका माई चौक शहर की नाक है, नाक कितनी गंदगी है। बात तो सही है और चिंताजनक भी है, इस पर ध्यान देना अति आवश्यक है। हमारी जनता की यही कहना है कि जो गंदगी है स्मार्ट सिटी के नाम पे सिर्फ गंदगी ही दिख रही है और सुधार के नाम पे कुछ नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, आपने सुना कि जनता ने क्या कहा, हर एक का कहना है कि भागलपुर जो है ये तिलका मांझी जो है भागलपुर की नाक है और नाक में इतनी गंदगी है तो कैसे चलेगा। तो जो हमारे आने वाले जनप्रतिनिधि हैं, जो आगामी जो सांसद होंगे विधायक होंगे जो भी सत्ता में आएंगे, उनसे जो जनता का यही कहना है कि विकास का काम हो, स्मार्ट सिटी को सिर्फ स्मार्ट सिटी बोलने से नहीं होता है, उसे बनाना पड़ता है, तो उस पर कुछ कार्य हो और जो है कि जो गंदगी है उन सब पे भी जो है कि ध्यान देना चाहिए। और जो मेरे आने वाली सरकार है, जो सत्ता में आने वाली है, जनता की तरफ से मैं भी आपसे ये गुजारिश करूँगी कि जनता की बात हमने आप तक रखी है तो आप उस पर ध्यान देने का जो है कि कृपा करेंगे, इससे कि जनता की भलाई का कार्य करेंगे, क्योंकि अगले 5 साल तक जनता ने आपको बहुत ही उम्मीदों के साथ चुना है, बहुत विश्वास के साथ आपको वोट देगी, तो आप उनके विश्वास को नहीं तोड़ेंगे। चलिए इसी के साथ विदा लेते हुए मैं सोनम सिंह अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए अलविदा।